जी मेरा भाई उसी ने मारा जी, उसी ने खत्म किया जी, मैंने तो चार पांच दिन हो गए जी मेरे भाई के नाम का व्रत रख कर मेरे भाई ने देख कर रोटी खाऊंगी। मैं के घर पे गई हूँ ना, मेरे भाई की इतनी बेरामी लट सूट सूट का मारा जी, नार तक तोड़ दी जी देख कर मेरी बहन जी पहली बार मेरे भाई देखो जी कैसे मार के गिर रही मैं उसकी की तरह भी लगती फिर पैदल पैदल जी मामने कड़े नहीं टोया। एक युवक को पड़ोसी के घर में घुसने की सजा मौत के रूप में मिली है। यह आरोप है मृतक की बहन के। जानकारी अनुसार कैथल प्योदा रोड से गायब हुए शख्स का शव पुलिस को ड्योढ़खेड़ी के नजदीक से बरामद हुआ है। पुलिस मृतक का शव कब्जे में लेकर कैथल के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा रही है। वहीं धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक करनाल निवासी मुकेश जो मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है और 3 दिन पहले अपनी बहन से प्योदा रोड कैथल पर मिलने आया था। मुकेश रात के समय लघु शंका होने पर बाहर निकला और रास्ता भटक कर पड़ोसी चरण सिंह के घर चला गया, तब से वह गायब था। मृतक की बहन का कहना है कि मेरे घर और आरोपी चरण सिंह के घर का गेट एक जैसा है, जिस कारण वह भूलवश दूसरे घर में चला गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था और अब पुलिस को गुमशुदा व्यक्ति का शव ड्योढ़खेड़ी के नजदीक मिला है। पुलिस ने आरोपी चरण सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज तफ्तीश शुरू कर दी है। जी क्या नाम है जी? जी 13 तारीख क्या नाम है जी मरने वाले का? मुकेश नाम है जी मेरे भाई का। जी तो आपके घर आया था जी? हाँ। मेरे पास 2 बजे लग सुतर है और बाथरूम करने लिकड़े, मैंने कहा भाई लूंगा बिक जा लूंगा, 2 दरवाजे हमारे कमरे में, मैंने कहा भाई लूंगा नहीं लूंगा करे बात, वो बाहर निकल गया गेट पे, वो गेट पे बाहर निकले वो किसी जगह पर बाथरूम लग गया करू ना, हमारा घर भूल गया वो घर की बजाय दूसरी गली चल गया, उस गली में चरण नाम कवा जी आदमी उनके घर में गए मम नु बोलिया मन कह मम पूछते पूछते ढूंढते गए मम मेरे भाई आया जी नु कहे था मारे अंदर बढ़ गया था नुकरा आया था हमारे घर मन उससे कुछ नहीं गया पागल था नु भी कह मम तो मैं तो अपनी बहन के घर आ रहा था भी कौन है तू नुका भी मेरी बहन का घर है तो कौन है मैं तो अपनी बहन कह रहा वो गेट भी उनका वैसे ही लग रहा था मारा भी ऐसे ही था ऐसी मंजिल बिचरे इसलिए जैसे उन्होंने सोचा यू मेरी बहन के घर हो जैसे बढ़ गया उन्होंने जी वही खत्म कर दिया जी चरने ने जी मम गए मम फिर अगले फिर दिन फिर गए फिर उन्होंने यू बयान दिया नुको उसने मेरे से गाली भी निकाल ली उसने उस दिन तो बोले मैंने कुछ नहीं कहा फिर कहो मेरे से गाली निकाल ली उसने मेरे भाई तेरे बोले भाई तो गाली क्यों दे रहा जी मेरे भाई उसने मारा जी उसी ने खत्म किया जी, मैंने तो चार पांच दिन हो गए जी मेरे भाई के नाम का व्रत रख कर मेरे भाई ने देख कर रोटी खाऊंगी। मैं के घर पे गई हूँ ना, मेरे भाई की इतनी बेरामी लट सूट सूट का मारा जी, नार तक तोड़ दी जी देख कर मेरी बहन जी पहली बार मेरे भाई देखो जी कैसे मार के गिर रही मैं उसकी की तरह भी लगती फिर पैदल पैदल जी मामने कड़े नहीं टोया पैदल पैदल मैं मेरे घर कितनी तारीख से घर से गया था वो 2 बजे गया थे जी जो 2 बजे का 4 बजे निकला जी 13 तारीख ने गया जी कंप्लेंट कब लिखवाई आपने? कंप्लेन मैंने 14 तारीख ने लिखवाई क्योंकि मन उस पर शक हो गया दिन तो अन्य दिन मम गए अगले दिन फिर किसी ने मर से बोला भाई इस बंदे ने ही करा मन फिर गए उसके घर अब नस्पसक हो गया जी फिर मन कहे तो ही दे मेरे भैया ने तो ही दे तो उसने नहीं बताया जी मन कंप्लेन लिखवाई 15 तारीख 16 तारीख निकल हमने दबाव दिया जी उसने बताया उनका जो कर लो के करोगे मेरा मेरे बाल पाड़ोगे कर लो जो थर पमना मन मारे मन कर खत्म तो कहाँ मिली फिर बॉडी उनकी बॉडी जी वहाँ मिली जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सन्नी है जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं प्योदा रोड से जी। तो क्या कुछ मामला है यहाँ पे जो आप पहुँचे? मामला क्या है घटना का? घटना यह है जी 13 तारीख को मेरा साला आया था जी मेरे घर पर, रात को वो सुत्ता पड़ा था, सोने के बाद जब 2 के बीच वो बाथरूम करने गया तो रात को थोड़ी सी चोट के कारण धमाके के कारण वो अपनी घर भूल गया और दूसरी गली चले गया।
और दूसरी गाड़ी चलने के बाद आगे जाके वो चरणा के घर चले गया। चरणा के घर जाके वो बैठ पे बैठ गया। चरणा ने भी बेड़क आई, भाई मेरे घर पर कौन आया? चरणा ने आके पूछा कौन है भाई? तो चरणा जब बोलिया, चरणा ने उसको बाहर बाहर पकड़ के बाहर निकाला और चरणा से बोला कौन है भाई तुम? तो मुकेश बोला भाई मैं मेरी बहन के घर आ रहा हूँ, तो मैंने बाहर क्यों काटा है? तो मैंने दोबारा से फिर पूछा, बोला कौन है भाई तुम? लिगड़ बाहर। बोले भाई मैं मेरी बहन का घर आ रहा हूँ, तो मैंने बाहर क्यों काटा है? जब ही से जी चरणा के घर से मुकेश लापता आ जी। अच्छा जी, आप कैसे पता कि उसके घर में ये बातचीत हुई है? ये बातचीत खुद चरणा ने बताया था जी अपने मुँह से। और उससे अगले दिन चरणा मेरे पास आया, बोला तुम्हारा रिश्तेदार था क्यों? मैं बोले हाँ भाई, वो मुकेश नाम का मेरा रिश्तेदार था भाई। अगर तेरे पास हो मैं हाथ जोड़ कर तेरे विनती करूँ भाई, जड़े भी तना छोड़ रखा या कड़ी छोड़ कर आया तो मेरा तय दे दे। तो उन्होंने बोलिया मेरे पास नहीं है भाई। मैं फिर कहाँ गया वो? फिर मैंने बोलिया, मैं बोलिया उसता भाई मैं तेरी जाके थाना में एफ आई दर्ज करवाऊँगा। इसी बात से उस यार से वो मेरे से बोलिया जो तेरे पा बने कर ले भाई। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट दी उसकी? पुलिस में मैंने कंप्लेंट भी दी जी उसकी। हाँ जी, कौन से थाने में दी? 21 सेक्टर सिविल थाने में जी। कौन सी तारीख को दी? उसकी 14 तारीख को दरख्वास्त दी जी मैंने। अच्छा, और मिसिंग रिपोर्ट कब लिखवाई हुई है? गुम होने की 13 को जी। 13 को लिखवाई थी। हाँ जी। और पुलिस ने पकड़ा नहीं फिर उसको भी चरने को? उसका नाम दे रहा? नहीं जी, पकड़े नहीं जी अभी तक। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो यही कह रही है अगर मिलेगा तो पकड़ेंगे, वो तो मार के मतलब जी उसको लापता है। अच्छा, कपड़े भी दूसरे डाल रखे हैं? जी, कपड़े भी दूसरे डाल रखे हैं जी। ये कपड़े उसके नहीं है? नहीं जी, ये कपड़े उसके नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कपड़े क्यों डालेगा, क्या हुआ होगा उसके साथ? उसके साथ यानी कि जो मारिया पिटिया गुड़ियाल से और जो कपड़े थे वो भी पाट चीट दिए उसके और मार के उसको दूसरे कपड़े पर आए गए जी। तो घेर दिया गया उधर? हाँ, उधर घेर दिया जी उसको। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना मेरे पास पुलिस का फोन आया था जी। भारत नाम है जी मेरा जी। बॉडी मिली है आपके भाई की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ जी इसके बारे में? कहाँ से मिली है बॉडी? जी मेरे इतना ध्यान नहीं है जी, वो बता पता नहीं है जी, जगह कभी नहीं पता। अच्छा, तो गायब था? हाँ गायब था जी, वो 3 दिन से गायब था जी वो जी। ठीक है सर, तो मतलब के 36 दिन उसकी बॉडी मिली। अच्छा, क्या नाम था जी उसका? मुकेश नाम था। कितनी उम्र थी उसकी? शायद 35 साल के करीब थी। कहाँ का रहने वाला था वो? गांव बल्ली का रहने वाला था जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। घर से कब गया था वो? घर से जी 13 तारीख को गया था घर से। 13 तारीख को घर से गया था जी वो। तो 13 तारीख ना ही जी वो बाहर निकल रहा जी बाथरूम करने के लिए। अच्छा। तो गायब हो गया पैर से बाहर। अच्छा। हाँ, तो बॉडी मिली कैथल जिले। हाँ,